हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं एबीटेक व्लॉग। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही कम बजट में एक बेस्ट TWS हेडफोन लेकर आया हूँ, जो कि ट्रूली वायरलेस एयरबड्स है और ये स्नोकर की तरफ से आता है, स्नोकर आई रॉकर स्ट्रिक्स। वैसे ये स्नोकर इन्फिनिक्स की ही ब्रांड है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इन्फिनिक्स एक अच्छी ब्रांड है और बजट स्मार्टफोन लेकर आती है, तो उसी की तरफ से स्नोकर आता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। वैसे मैंने पहले से इसकी अनबॉक्सिंग कर रखी है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। उसके साथ ही अगर आप लोगों के मन में कोई भी सलाह या सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांड का नेम जो है स्नोकर और आई रॉकर स्ट्रिक्स, जो कि डिज़ाइन बाय इन्फिनिक्स। तो जो इन्फिनिक्स का मोबाइल आता है उसी की ये ब्रांड है स्नोकर। और इस सेट की बात करें तो यहाँ पर 2X पावरफुल बेस लिखा हुआ है, अल्ट्रा लाइट स्पोर्ट वेयर है, मल्टी फंक्शन बटन यहाँ पर मिल जाती है कंट्रोल के लिए। और बैक साइड में यहाँ पर देख सकते हैं 14.2 mm का यहाँ पर डायनेमिक बेस ड्राइवर दिया गया है, ब्लूटूथ 5.0 का उपयोग किया गया है, 300 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है चार्जिंग केस में, और 40 mAh की आपको ईच बर्ड में बैटरी मिलती है। उसके साथ ही 16 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम मिलता है और यहाँ पर हाई फाई स्पीकर का सिंबल दिया गया है। उसके साथ ही टेक आउट ऑटो कनेक्शन का यहाँ पर फीचर मिल जाता है, म्यूज़िक कॉल कंट्रोल कर सकते हैं और गूगल असिस्टेंट का भी यहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाता है। उसके साथ ही सिक्योर फिट कम्फर्टेबल, तो देखते हैं इसको पहन के कितना कम्फर्टेबल है। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट के लिए टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और बर्ड्स को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र मैनुअल मिल जाती है, बाकी इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिल जाती है USB A2 टाइप सी वाली, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर है एयरबड्स, तो इसको अनरैप करते हैं और कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको केस मिलता है इसका। और यहाँ पर देख सकते हैं स्नोकर की ब्रांडिंग है, मैट और ग्लॉसी फिनिश का कॉम्बिनेशन है, तो दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी प्रीमियम लगता है। इस सेट में आपको एक LED लाइट मिल जाती है और इस सेट की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी फ़ोन के चार्जर को उसमें यूज़ कर सकते हैं। और बैक सीट की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, डिज़ाइन बाई इन्फिनिक्स, और यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है। तो इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बड्स रखा हुआ मिल जाता है, तो फिलहाल इसे निकाल लेते हैं। अंदर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आपको एक मैग्नेट मिलता है, तो इस तरह से आप बड्स को रखेंगे तो ये फिट हो जाएगा। और देख सकते हैं मैग्नेट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये गिरेगा नहीं। तो इसको निकाल लेते हैं। और बड्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको फिजिकल बटन दी गई है, कोई सेंसर यहाँ पर नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको एक लाइट मिलती है जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि पेयर करना है और ये पेयर है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लिंक हो रही है, मतलब इसको पेयर करना है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको सेंसर नहीं मिलता है, तो ऐसे ही दिया गया है। और इसमें आपको 14.2 mm का ड्राइवर मिलता है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर आपको R और L लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पर आपको चार्जिंग डॉक मिलता है। इसके साथ ही दोनों ही बड्स में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, तो कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में आपको सेपरेटली माइक मिल जाती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और केस की क्वालिटी की बात करें तो केस की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट लग रही है। यहाँ पर अंदर साइड में ग्लॉसी फिनिश मिलती है, तो ओवरऑल डिज़ाइन वाइज काफ़ी सुंदर है और बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। अब इसको पेयर करते हैं फ़ोन से और देखते हैं कि साउंड क्वालिटी किस तरह से आती है और ये फिटिंग के मामले में कितना कंफर्टेबल रहता है। तो पेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है और देखते हैं कि किस तरह से ये डिटेक्ट करता है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही है, ब्लू एंड रेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई रॉक स्टिक करके आ गया है और इसे टैप करते हैं और ये आसानी से पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओके, और ये पेयर हो गया, तो काफ़ी इजी है इसको पेयर करना। तो अब साउंड सुनते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एयरबड्स को पहन लिया है और काफ़ी कंफर्टेबल है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने एयरबड्स को पहना हुआ है, क्योंकि लाइट वेट है। उसके साथ ही जितना भी आप हेड को शेक करेंगे ये गिरने वाला नहीं है, तो फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। इस हेडफोन को यूज़ करते हुए मुझे एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 999, लगभग 1000 में 1 रुपये कम, और 999 के हिसाब से ये मुझे बेस्ट लगा।
सबसे पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज की बात करें तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है अमेजिंग है, मतलब इस प्राइस रेंज को देखते हुए मुझे इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। इसमें बेस की बात करें तो सॉफ्ट बेस मिलती है, बहुत ज़्यादा डीप बेस नहीं है, बट फिर भी आप बेस को इन्जॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेबल्स की बात करें चाहे वोकल्स की बात करें, दोनों ही काफ़ी अच्छे से आते हैं। जो बेस्ट साउंड क्वालिटी है 70-80% आप वॉल्यूम पर सुनेंगे तो आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी इसमें मिलेगी। अगर आप फुल वॉल्यूम पर सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कॉल क्वालिटी की बात करें तो कॉल क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें दोनों ही बड्स में आपको अलग अलग माइक मिल जाती है, तो आप बात करेंगे तो अगले के पास आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियर जाती है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा कॉलिंग फीचर भी इसमें काफ़ी अच्छे से हैंडल होता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें और डिज़ाइन की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें मैट और ग्लॉसी फिनिश का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो लुक वाइज काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी सुंदर लगता है। उसके साथ इसका जो केस है वो स्क्वायरिश डिज़ाइन में दिया गया है, जो कि बिल्कुल यूनिक लगता है। और एयरबड्स की बात करें तो इसकी भी डिज़ाइन थोड़ा बहुत रेडमी बड्स से मिलती जुलती है। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। उसके साथ ही ये दो कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, एक है वाइट और दूसरा है ब्लैक, तो मैंने ब्लैक चूज़ किया क्योंकि मैला वाला नहीं होता है। उसके साथ ही कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा ये हेडफोन है और आप घंटों तक लगा इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि कुछ लोगों को इन ईयर स्टाइल के हेडफोन लगाने से थोड़ा सा दिक्कत आती है, कानों में दर्द हो जाती है, तो वैसी शिकायत यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। और काफ़ी लाइट वेट है, तो आप लगाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने हेडफोन पहना हुआ है, तो कंफर्ट के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी ने 16 आवर्स का बैटरी बैकअप बोला है, लगभग 16 घंटे का, बट मुझे इसमें 10 से 11 घंटे का बैटरी बैकअप मिला। और मैंने जो वॉल्यूम रखा था वो 70-80% पर रखा था, तो हो सकता है 50% पर रखने पर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप भी मिल सकता है, तो बैटरी बैकअप भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा इसमें चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, तो ये भी इसका काफ़ी अच्छा फीचर है और आप किसी भी केबल से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए प्रोस की बात, अब बात करें कॉन्स की, तो ये हेडफोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप अगर पबजी खेलना चाहते हैं या COD खेलना चाहते हैं तो जो साउंड है वो काफ़ी लेट आता है, मतलब आप गन से शूट कर देंगे उसके बाद इसमें साउंड आएगा, तो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी इसको परचेस मत करना। उसके अलावा इसमें कोई भी टच सेंसर नहीं मिलता है, बल्कि फिजिकल बटन दी गई है, तो फिजिकल बटन से प्रेस करने पर थोड़ा सा इरिटेट होता है, तो इस तरह से आप सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और इसमें गूगल असिस्टेंट का भी फीचर मिल जाता है, बट जाहिर सी बात है टच सेंसर नहीं है तो बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगा। उसके अलावा तीसरी कैमरे की बात करें तो इसमें कोई भी सेंसर नहीं मिलता है, तो अगर आपका एयरबड्स कानों से निकल जाएगा फिर भी म्यूज़िक ऑन रहेगा, ऑफ नहीं होगा, तो यही तीन चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। बाकी ओवरऑल पर्टिकुलर इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा और मुझे काफ़ी पसंद आया इसका साउंड। तो यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि किन लोगों को इस हेडफोन को परचेस करना चाहिए, तो जिन लोगों को मूवी देखना है या फिर सॉन्ग सुनना है या फिर घंटों तक बात करते हैं कॉल पर, तो उन लोगों के लिए हेडफोन काफ़ी अच्छा है, बाकी जिनको गेम खेलना है उनके लिए ये हेडफोन नहीं है। तो अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाकर परचेस कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, मैंने इसको 999 रुपये परचेस किया है और इसका जो व्हाइट कलर है वो 699, मतलब 700 रुपये में मिल रहा था, बट अभी मैंने चेक किया तो 1599, लगभग 1600 रुपये में हो गया है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो जब प्राइस इसका कम हो तभी इसको परचेस करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।